नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा लिखित मेरी भी आभा है इसमें शीर्षक कविता का मूल भाव तथा शब्दार्थ सहित स्वप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता पर वीडियो बनाते वक्त मैं प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य रचनाओं पर बने हुए मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा लिखित मेरी भी आभा है इसमें शीर्षक कविता का मूल भाव तथा शब्दार्थ सहित स्वप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने मार्क्सवादी और समाजवादी जीवन दर्शन को अपनी सरल और छोटी कविताओं में इस सहजता के साथ व्यंजित किया है कि पाठक उन्हें पढ़कर कुछ सोचने को विवश हो जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जहां एक ओर वर्ग संघर्ष से पीड़ित मानवों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और उसके लिए जिम्मेदार व्यवस्था के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है, वहीं दूसरी ओर आज़ादी के बाद भी जनता को अभावों कष्टों पीड़ाओं में डूबे हुए देखकर शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। सच्चे अर्थों में कवि नागार्जुन जनता के कवि हैं। व्यंग करने में इन्हें किसी तरह का संकोच नहीं होता है। तीखी और सीधी चोट करने वाले ये वर्तमान युग के प्रमुख व्यंग्यकार हैं। कवि नागार्जुन के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि खेत खलिहान से लेकर नगरों महानगरों में लगे हुए रोजी रोटी की तलाश में श्रमिक वर्ग की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण उनकी कविताओं में मिलता है। अतः कवि नागार्जुन जीवन के धरती के जनता के तथा श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। मेरी भी आभा है इसमें शीर्षक कविता का मूल भाव। मेरी भी आभा है इसमें प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित एक श्रेष्ठ सुंदर एवं एक बड़ी ही सुंदर कविता है। मेरी भी आभा है इसमें शब्द का अर्थ है, इसमें मेरा भी प्यार है, इसमें मेरा भी अपनापन है, इसमें मेरा भी स्नेह है, इसमें मेरी भी चमक है। यह कविता उनकी भावनानुभूति से संबंधित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतवर्ष का चहुमुखी विकास हुआ है। इसमें समाज के हर वर्ग अर्थात किसान मजदूर कामगार कर्मचारी और नेताओं के कठिन परिश्रम एवं सतत प्रयास का हाथ रहा है, तभी आज एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। उसमें
प्रगति का सूर्य चमक रहा है, जिससे हमारा देश बहुत खुशहाल हो रहा है। इसे कवि नए गगन में नया सूर्य चमकने को कहकर संबोधित करता है। कवि नागार्जुन आकाश और धरती पर होने वाले प्रत्येक सौंदर्य से परिपूर्ण गतिविधि पर अपनी आभा का होना स्वीकार करते हैं, अर्थात कवि नागार्जुन का प्रेम या भाव प्रकृति की प्रत्येक गति से प्रत्येक दिशा से आत्मीयतापूर्ण है। उन्हें आकाश में चमकते हुए सूर्य और धूप से प्रकाशित भूखंड की शोभा में अपनी आभा प्रतीत होती है। लताओं और वृक्षों पर खिले रंग बिरंगे फूलों में भी नागार्जुन अपनी आभा का अनुभव करते हैं। यही नहीं, पकी हुई सुनहरी फसलों से भरे हुए खेत खलिहान की शोभा में भी नागार्जुन को अपनी आभा दिखलाई देती है। कवि नागार्जुन आकाश और धरती पर होने वाले प्रत्येक सौंदर्य से परिपूर्ण गतिविधि से अपने को अलग नहीं मानते हैं। अतः इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही संदेश दिया है कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करना चाहिए। अतीत के महत्वपूर्ण योगदान एवं वर्तमान के सतत परिश्रम से ही यह धरती प्रकाशमान होती है। प्रस्तुत कविता में कविवर नागार्जुन ने प्रकृति के सभी उपादानों के प्रति अपनी आत्मीयता स्थापित की है तथा चमकते सूर्य, दमकते भूखंड और भीनी भीनी गंध वाले रंग बिरंगे फूलों में अपनी आभा के होने की घोषणा की है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही संदेश दिया है कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश के लिए अपना कुछ न कुछ योगदान देना ही चाहिए। आइए अब मैं आपके समक्ष कविवर नागार्जुन द्वारा रचित मेरी भी आभा है इसमें शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। सबसे पहले मैं कविता का वाचन आपके समक्ष करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पहली पंक्तियां, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, भीनी भीनी खुशबू वाली रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा, साथ ही साथ कॉपी पर भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब भी आप इस कविता को पढ़ें आपको अर्थ समझने में कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। मैं जब भी इस कविता की व्याख्या करूं आप पुस्तक लेकर बैठिएगा, साथ ही साथ मेरे साथ साथ शब्दों के अर्थ को समझकर व्याख्या को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान देकर सुनिए। शब्दार्थ, गगन यानी आकाश, विशाल यानी बहुत बड़ा, भूखंड यानी धरती का टुकड़ा, दमक रहा यानी बहुत अधिक
प्रकाशित हो रहा है। आभा यानी चमक, भीनी यानी धीमी या हल्की, रंग बिरंगे यानी अनेक रंगों वाले, इतने यानी बहुत से, प्राणों ने नहलाया था यानी अधिक परिश्रम करके सींचा अर्थात मैंने इनसे अधिक प्रेम किया था, जो दमक रहा है यानी प्रकाश धारण कर रहा है। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मेरी भी आभा है इसमें शीर्षक कविता नामक पाठ से ली गई है। इस कविता के कवि प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर नागार्जुन ने धरती पर स्थित सुंदर और प्रभावशाली तत्वों में अपनी आभा, अपने प्रकाश का होना स्वीकार किया है। व्याख्या: नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष स्वतंत्र हो चुका है। आज भारतवर्ष चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है, यानी नए आकाश में प्रगति का जो नया सूर्य प्रकाशित हो रहा है और धरती का जो बड़ा टुकड़ा दमक या चमक रहा है, उसमें मेरे जैसे हजारों किसानों, मजदूरों, कठोर परिश्रम करने वाले कर्मचारियों का प्यार, अपनापन छिपा हुआ है। भारतवर्ष का चहुमुखी विकास ऐसे ही कर्मठ व्यक्तियों के कारण हो रहा है। विशाल भूखंड में कवि को अपनी आभा दिखलाई पड़ती है। तात्पर्य यह है कि सूर्य की चमक के कारण धरती का टुकड़ा दमकने लगा है, यानी सूर्य के चमकने और धरती के टुकड़े में चमकने में मेरी भी चमक है, शोभा है, मेरा भी स्नेह और अपनापन है। भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है। कवि नागार्जुन आकाश और धरती पर होने वाले प्रत्येक सौंदर्य से परिपूर्ण गतिविधि पर अपनी आभा का होना स्वीकार करते हैं, अर्थात नागार्जुन का प्रेम या भाव प्रकृति की प्रत्येक गति से, प्रत्येक दिशा से आत्मीयतापूर्ण है। कारण कवि नागार्जुन अपने आप को आकाश और धरती पर होने वाले प्रत्येक सौंदर्य से परिपूर्ण गतिविधि से अपने को अलग नहीं मानते हैं। भीनी भीनी खुशबू वाली, रंग बिरंगे, यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। कवि नागार्जुन प्रकृति के प्रति अपना अपार प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि आज धरती पर भिन्न भिन्न प्रकार के फूल दिखलाई दे रहे हैं। कुछ फूल ऐसे हैं जिनकी सुगंध ही धीमी है, परंतु कुछ ऐसे भी फूल हैं जिनकी सुगंध तीव्र गंध वाले, यानी ऐसे अनेक फूल खिले हुए हैं जो अनेक रंगों के सुगंधित फूल हैं। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ धीमी गंध और तीव्र गंध वाले अनेक रंगों के फूल खिले हुए हैं। इन फूलों को कल मेरे प्राणों ने स्नान किया था।
तात्पर्य यह है कि मैंने कल इन फूलों को बहुत अधिक प्रेम किया था, मैंने इन पर अपने प्राण छिड़क दिए थे, कल मेरे सपनों ने इनका स्पर्श किया था। तात्पर्य यह है कि कल ये फूल मुझे अपने स्वप्नों के समान जान पड़ते थे, यानी मैंने अपने प्राणों की चिंता न करके पौधों और लताओं में पानी दिया था, इनकी गोड़ाई की थी, इनकी रखवाली की थी, उसी के कारण आज इनकी शोभा है। कल इन फूलों को मेरे सपनों ने सहलाया था। तात्पर्य यह है कि मैंने जो कल्पना की थी इन फूलों की शोभा तथा उसकी गंध उसी प्रकार की है, मेरा परिश्रम आज साकार हुआ है। दूसरी पंक्तियां देखिए, पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के सोनित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। शब्दार्थ, सुनहली यानी सुनहरे रंग में या पीले रंग में खलिहान भर गया यानी बहुत फसल पैदा हुई, रग यानी नस, सोनित यानी खून, गगन यानी आकाश, विशाल यानी बड़ा, भूखंड यानी धरती का टुकड़ा, आभा यानी चमक या प्रकाश। संदर्भ वही प्रसंग, इन काव्य पंक्तियों में कविवर नागार्जुन जी ने पकी हुई पीली फसलों में अपनी शोभा का होना स्वीकार किया है। व्याख्या, पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के सोनित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। कवि आगे कहते हैं कि फसलें एक एक कर सोने के समान हो गई, ये सुनहरी फसलें यूं ही नहीं पक गई बल्कि यह सब मेरी आभा के कारण हुई। अब की बार इतनी अधिक फसल पैदा हुई कि उसके कारण पूरा खलिहान भर गया। खलिहान में कोई अन्य वस्तु रखने के लिए स्थान ही नहीं बचा। इन फसलों में मेरी नसों के खून की बूंदें मुस्कुरा रही है। तात्पर्य यह है कि इन फसलों को उगाने और बढ़ाने में मैंने जो परिश्रम किया था उसमें मेरा खून व्यय हुआ है। मेरे खून की बूंदें उन फसलों में मुस्कुरा रही है, अर्थात सुनहरी फसलों में मेरा ही परिश्रम दिखलाई देता है। मेरे परिश्रम के बिना इतनी अच्छी फसल कभी नहीं हो सकती थी कि सुनहरी फसलों से पूरा खलिहान ही भर जाए, यानी मजदूरों के कठिन परिश्रम और मेहनत से ही अच्छी फसलें पैदा हुई है और खलिहान भर गया है। तात्पर्य यह है कि आज जो फसल दिखाई दे रहा है उन फसलों की शोभा मेरे रक्त के कारण है। मेरे जैसे मजदूरों ने खून पसीना बहाकर कठिन मेहनत कर जो फसल पैदा की है उन पकी हुई सुनहरी फसलों से
खलिहान भर गया है। फसल के दाने दाने में मजदूर की मेहनत हस्ती मुस्कुराती है, अर्थात मजदूर भी प्रसन्न दिखलाई देता है। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि आज भारतवर्ष चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है, यानी नए आकाश में प्रगति का जो नया सूर्य चमक रहा है और धरती का जो बड़ा टुकड़ा चमक या दमक रहा है, उसमें मेरे जैसे हजारों किसानों मजदूरों कर्मठ व्यक्तियों का प्यार तथा अपनापन छिपा हुआ है। भारतवर्ष का चहुमुखी विकास ऐसे ही कर्मठ व्यक्तियों के कारण ही हो रहा है। तात्पर्य यह है कि सूर्य की चमक के कारण धरती का टुकड़ा दमकने लगा है। सूर्य के चमकने और धरती के टुकड़े में चमकने में मेरी भी चमक है, शोभा है, मेरा भी स्नेह और अपनापन दिखलाई देता है। भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है, मेहनत करने वाले किसानों मजदूरों की शोभा है। कहने का अभिप्राय यह है कि नए आकाश में जो नया सूर्य प्रकाशित हो रहा है तथा यह विशाल भूखंड जो दमक रहा है, इसमें मेरा प्रकाश भी है, मेरे ही कारण इनकी चमक है, मेरे ही कारण इनकी शोभा है। इस तरह हम देखते हैं कि कविवर नागार्जुन ने मेरी भी आभा है इसमें शीर्षक कविता में प्राकृतिक दृश्यों से आत्मीयता स्थापित करते हुए चमकते सूर्य, दमकते भूखंड और भीनी भीनी गंध वाले रंग बिरंगे फूलों तथा सुनहली फसलों में अपनी आभा प्यार अपनापन होने की घोषणा की है। इन पंक्तियों द्वारा जन कवि नागार्जुन ने अपनी ही प्रशंसा की है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अवश्य लाइक करें, अपने सगे संबंधियों को भी इसे आप अवश्य शेयर करें, और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के भलाई के लिए ही किया है, अतएव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी या कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप सप्रमाण अवश्य कमेंट्स करें, साथ ही साथ मेरा उचित मार्गदर्शन भी करें, ताकि मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बना सकूं, जिससे आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।